शुरू करें। आप सबका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद मैंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तभी ट्वीट कर बधाई दी थी। मैं उनको रामलीला मैदान में जो इन्होंने पिछले 5 सालों से हटकर अच्छी अच्छी बातें की उसके लिए भी उनको बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो उन्होंने अपनी प्रेस में, रामलीला मैदान में या कैबिनेट में जो बातें कही हैं वो उसको कार्यान्वित करेंगे। अभी मैंने देखा कि इस बार केजरीवाल जी ने बहुत सी बातें कही कि वे सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, किसी के साथ सतेला व्यवहार उन्होंने नहीं किया, जिस किसी को भी काम हो वो उनके पास आ जाए, वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और उनको प्रधानमंत्री का आशीर्वाद भी चाहिए। मैं भी अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम दोबारा जो दिल्ली के अंदर उनकी जीत हुई है उसके बाद रचनात्मक पूरा सहयोग देंगे और चाहेंगे कि दिल्ली का विकास चौमुखी विकास दिल्ली का हो। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने किसी के साथ सौताला व्यवहार नहीं किया, यानी आगे भी वो नहीं करेंगे, तो मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ एमसीडी का, दिल्ली नगर निगम का, तीनों निगमों का जो 10,000 करोड़ रुपया बकाया है वो उसका तुरंत दें, क्योंकि उसके ना देने से दिल्ली के नागरिकों को असुविधाएं हो रही हैं, चाहे वो नाली की है, चाहे वो सड़क की है, चाहे वो दवाई की है और चाहे वो सफाई की है। और जो बकाया राशि है वो तीनों निगमों के साथ बैठकर उसको तय कर लें और उसको तुरंत चुकाएं। तो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कहा है वो दिखाई देगा कि उन्होंने असल में भी उसको किया है। दूसरा मेरा है, उन्होंने कहा कि वे सभी पार्टियों को साथ लेकर काम करना चाहते हैं। पिछले 5 साल में वो दिल्ली के 7 सांसदों को कभी भी इकट्ठा बैठा के विकास की बात नहीं कर पाए, उनका सहयोग नहीं लिया, उनके साथ भागीदारी नहीं की। अब मैं चाहता हूँ हर 15 दिन के अंदर वो दिल्ली के 7 निर्वाचित सांसद जिनको 2 करोड़ की जनता ने चुना है, जिनको 2 करोड़ की जनता ने उनको भी प्यार दिया है, उनके साथ बैठकर उनको भी विकास का भागीदार बनाएं और 15 दिनों में ये मीटिंग करें। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार की मदद लेकर वो दिल्ली के विकास को करेंगे। तो मैं चाहता हूँ वो तुरंत घोषणा करें कि आयुष्मान भारत योजना, जिससे दिल्ली के आम गरीब आदमी को 5 लाख तक का इलाज फ्री मिल सकेगा, इस आयुष्मान भारत योजना को वो तुरंत लागू करने की घोषणा करें। वो केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ, इसलिए उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। तीसरा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंदर भी वे अविलंब सहयोग करें, इससे लाखों लोग जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, उनको सिर पर एक पक्की छत मिलेगी, 2 कमरे का फ्लैट मिलेगा, उसमें भी मैं उनसे सहयोग की उम्मीद करता हूँ। दिल्ली में प्रदूषण और गंदा पानी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। वे चाहे चुनाव जीत गए हों पर इससे वो भी इनकार नहीं करेंगे कि दिल्ली में प्रदूषण की भारी समस्या है और गंदा पानी दिल्ली के अंदर
आधी से ज़्यादा दिल्ली गंदा पानी पी रही है, इसलिए प्रदूषण और गंदे पानी पर पहले की तरह राजनीति ना होकर केंद्र और एमसीडी से सहयोग लेकर इस समस्या को हल करना चाहिए, जिसके अंदर हम उनका पूरा सहयोग देंगे। अंत में उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी काम के लिए, किसी पार्टी का हो, धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, उनके पास काम के लिए आ सकता है। मैं चाहता हूं पहले की तरह वो जो उन्होंने जनता दरबार का घोषणा की थी, उस जनता दरबार को वो दोबारा लगाना शुरू करें, ताकि आम जनता उनसे बिना रोक टोक हिचक के मिल सके। अगर मिल ही नहीं सकेगी तो वो काम कैसे करेंगे। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उनको पूरा सहयोग करना चाहता हूं कि मैं दिल्ली की समस्याओं पे लगातार उनको चिट्ठियां लिखता रहूंगा, सुझाव देता रहूंगा और बताता रहूंगा, और जो सहयोग वो मांगेंगे उनको लगातार सहयोग देता रहूंगा। मेरे साथ जयप्रकाश जी आप जानते ही हैं, मैंने इनसे ही सारे आंकड़े वो लिए, एमसीडी को कितना कितना तीनों नगर निगम के अंदर पैसा नहीं मिला है। मेरा इस बात पर नहीं है कि कितना पैसा है, जितना भी पैसा है वो पैसा अविलंब दें, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही 5 साल देरी हो चुकी है। धन्यवाद।
कई कार्य ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हैं। अब आम आदमी की पार्टी जो इस बार बनी है सर, लेकिन वो अभी भी वही बात कर रही है कि बीजेपी दोषी है सर। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी को दोष दो, आप फंड दे दो हमारा, जो बनता है उस फंड को रिलीज करो, बाकी आपको जो दोषारोपण करना है वो करिए। और अभी उन्होंने एक बात कही है कि दोषारोपण की राजनीति मैं नहीं करूंगा, तो मेरे हिसाब से अब उनको वो समाप्त कर देनी चाहिए दोषारोपण की राजनीति। हम भी तो रचनात्मक सहयोग देने की बात कर रहे हैं, हमने तो कोई आरोप नहीं लगाया, हमने तो सिर्फ ये कहा है उनको कि भाई आपने कहा सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे, आप तुरंत MCD के फंड्स दीजिए। वे अपनी बेहतर योजना को लागू करें, उसको भी लागू करने में हमसे सहयोग किए हुए तो लें, पर जो योजना सारे भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने लागू की है उसका भी लाभ लेने दे लोगों को, उसमें आपत्ति क्या है। उन्होंने तो सर कल मीटिंग भी की थी सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया था, और जो उन्होंने गारंटी कार्ड पेश किया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोल दिया है, लेकिन इन सब बातों का जिक्र नहीं है। तो आपने जो ये सुझाव दिया है या मांग दिया है उनको क्या कोई लेटर भी लिखेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ आपके माध्यम से उन पर बात चली जाएगी, और फिर भी मैंने अभी आपको कहा कि मैं लगातार उनको पत्र लिखता रहूंगा जी। वैसे इस गारंटी योजना में वही गारंटियां हैं जो पहले 5 साल के शुरू में दी थी, कोई नई गारंटी उन्होंने नहीं दी है। अब उन्होंने एक नया अपना रूप दिखाया है जिसमें वो सहयोग लेने और सहयोग देने की बात कर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि अगर आपने शुरुआत करनी है तो इन 4 चीज़ों से करिए जो अविवादित हैं। इन पर अगर आपने कदम उठाया तो हम मानेंगे कि आपकी कथनी करनी में फ़र्क नहीं है। सर आपकी बात से मिठास आ रही है सर, क्या समझा जाए कि ये जो इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है सर, क्या वजह है, बहुत बड़ा कारण क्या है, क्या हो सकता है सर? वो जनता ने उनको ज्यादा वोट दिए इसलिए उनकी बनी। जनता ने तो वोट दिए, लेकिन आपकी बात से ऐसा लग रहा है सपोर्ट किया गया होगा उनको आम आदमी पार्टी को सर, सपोर्ट की सरकार से? मैं समझा नहीं। सरकार जो हमारी बीजेपी सरकार है, जो भी आम आदमी पार्टी आई है, ऐसा लगता है जैसे कि बीजेपी सरकार नहीं, बीजेपी पार्टी, बीजेपी पार्टी ने सपोर्ट किया गया आम आदमी पार्टी को, इसलिए सरकार। आपकी बात कोई समझ नहीं आ रही। हाँ बोलो ना। मैं भी आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं देनी है उन मूलभूत सुविधाओं को पहुँचाने में नगर निगम का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अगर नगर निगम को कमजोर कर दिया जाएगा तो कभी भी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को एक अच्छी दिल्ली नहीं बना सकते। अगर उनको दिल्ली को एक अच्छी दिल्ली बनानी है, साफ दिल्ली बनानी है और विकासशील दिल्ली बनानी है, तो तीनों निगमों को उनको सहयोग करना पड़ेगा, तीनों निगमों का फंड उनको वापस लौटाना पड़ेगा और तीनों निगमों के साथ बैठ कर काम करना पड़ेगा। हम नगर निगम के माध्यम से भी उनको कहना चाहते हैं कि वो हमें भी बुलाएँ या हमारे निगम में आएँ, बैठ करके जो हमसे सहयोग चाहिए वो हमसे सहयोग लें, जो हमको उनको सहयोग चाहिए वो हमारे को सहयोग दे। जब सहयोग से काम करेंगे तो एक अच्छी दिल्ली हम बना पाएंगे, लेकिन अगर वो हमारा पैसा रोक कर रखेंगे, समय पर पैसा नहीं देंगे और MCD को पैरालाइज करने की कोशिश करेंगे तो अच्छी दिल्ली की कल्पना वो सिर्फ किताबों में रह जाएगी। अभी हमारा 4th DFC का तो एक भी पैसा नहीं मिला, करंट ईयर के भी अगर हर तीनों MCD का हिसाब लगाए तो 1000 करोड़ से ज़्यादा पैसा हमारा। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, डिबेट ये नहीं है कितना पैसा है, डिबेट ये है कि पैसा है वो दो, आप सेटल कर लो उनके साथ बैठकर जो भी आपको सेटलमेंट करना है, ये तो उसकी बात है, कोई भी बीच में हो सकता है। ठीक है, आपको आशा है कि नई सरकार बनते ही अब ये तब्दीली केजरीवाल सरकार में आएगी? जैसी घोषणाएं की गई हैं उसके अनुसार लगता है मुझे, जो आप मैंने आपको बताया ना इतनी सारी चीज़ें उन्होंने घोषणाएं की हैं, तो उससे मुझे लगता है कि वो सहयोग की राजनीति करेंगे और कथनी करने में फ़र्क नहीं होगा। अभी तीनों MCD ने जो बनाया है वो लगभग 3000 समथिंग है, 10000 करोड़ है। पर मैं दूसरी बात कहता हूँ, तीनों कमिश्नर को बुला लेना, हमारे साथ भी पॉलिटिकल आदमी के साथ भी नहीं बैठना तो भी कोई बात नहीं है, आ जाओ वो ले लो कुर्सी। अगर इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है प्रेस से, ठीक है सर? तो लग रहा है सर फुल फ्लैश मोड में आ गए,
नहीं नहीं मैं है यूडी के साथ कोई आप लोगों का कम्युनिकेशन हुआ इस पर? किस पर? इस इशू पर के ये लोग रिलीज नहीं कर रहे हैं तो आप इनको भी कहिए? नहीं नहीं ये अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, अभी सारा कम्युनिकेशन इस पर है। जिस तरह की अच्छी बातें उन्होंने कही हैं उसके ऊपर हमने ये बात रखी है, वो नहीं करेंगे तो अगला स्टेप तब देखेंगे। धन्यवाद सर।